is one. Killer. This is us. Gunangaram Vallabham Lok Vallabham Samudram Mod Dataram Indradinnam Namamyaham Nityanandam Namamyaham. परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे गुरुचरण धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्यात्मा, आप लोग प्रतिदिन दर्पण तो अवश्य देखते ही हो। सुबह उठने के बाद बाहर निकलने से पहले एक बार तो शीशे में अपने आप को देख ही लेते हो। जब आप दर्पण में देखते हो, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो उसमें आपको कौन दिखाई देता है? आप दर्पण के सामने खड़े हो तो उस समय आपको दर्पण में कौन दिखाई देता है? स्वयं को, खुद को देखते हो। जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वह सत्य है, या दर्पण जिसको दिखाना चाह रहा है वो सत्य है? दोनों में से कौन? दर्पण में जो दिख रहा है, जो आपका प्रतिबिंब है, वह वास्तविकता में है, वह वास्तविक वस्तु है, या सामने जो खड़ा है वो वास्तविक में है? वास्तविकता किस में है? सामने वाले में। जल की तरंगे हैं, पूनम की रात्रि है, चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण खिला हुआ है, और स्वच्छ जल राशि के ऊपर चंद्रमा का बिंब दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आपने जल में देखा आपको चंद्रमा दिखाई दिया, तो जल में दिखने वाला चंद्रमा वह वास्तविक है या ऊपर गगन में रहा हुआ चंद्रमा वो वास्तविक है? जो ऊपर गगन में चंद्रमा है वह वास्तविक है, उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है। जल में देखने के बाद में हमें उसका संकेत हो रहा है कि चंद्रमा यहां नहीं है, यह तो उसकी झलक है। यह नजदीक में जो दिख रहा है यह तो उसकी झलक है, वास्तव में तो चंद्रमा वहां है। दर्पण में जो दिखाई दे रहा है यह तो मेरी झलक है, वास्तव में तो मैं सामने खड़ा हूं। जब परमात्मा के सामने हम खड़े होते हैं, जब अरिहंत परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, तो उस परमात्मा के बिंब में किसका प्रतिबिंब है? परमात्मा के बिंब में किसको देखना? किसको? स्वयं की आत्मा को। क्या कभी ऐसा लगा कि मेरे सामने जो आदिनाथ दादा बैठे हैं, ये आदिनाथ दादा नहीं, ये मेरा ही तो आत्मा है, ये मेरा ही तो स्वरूप है, ये मेरा ही शुद्ध स्वरूप है? लेकिन उसमें हमें अपना रूप स्वरूप दिखाई नहीं देता। वास्तव में परमात्मा का बिंब हमारा ही तो प्रतिबिंब है,
हमारी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध कराने वाला, हमारी आत्मा की पहली झलक देने वाला ये परमात्मा का बिंब है। इसलिए परमात्मा के दर्शन किस लिए? परमात्मा दर्शन हमारी आत्मा के दर्शन बन जाए, जिन दर्शन निज दर्शन बन जाए, तब ये परमात्मा के दर्शन करना हमारा सफल और सार्थक होगा। हम तो केवल उसको देख करके आ जाते हैं, कभी इसको देखा ही नहीं। दर्पण में खुद को देखते हैं, जल में चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन परमात्मा के बिंब में अपने प्रतिबिंब को क्यों नहीं देखते? अरे ये जो स्वरूप है ना, ना इसमें क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, इसमें कोई कषाय की कालिमा नहीं, ना इसमें राग है, ना इसमें द्वेष है, ना ये राग से रंजित है, ना द्वेष से दूषित है, ना मोह से मोहित है, ना वासना से वासित है। ये मेरा शुद्ध स्वरूप है, मेरी यात्रा का अंतिम मुकाम है, मुझे यहां तक पहुंचना है, ये मेरी मंजिल है। उसको देख करके हमें अपनी आत्मा की याद हो आए, हमारे मन में परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के गुण झलकने लगे, तब जाकर के हमारी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होगी। आपने इतने जिनालयों के दर्शन किए, इतने जिन मंदिरों में परमात्मा के दर्शन किए, सैकड़ों हजारों जिन बिंबों के दर्शन किए, आंखें बंद करने पर क्या आपको उस परमात्मा की छवि, उसकी मूरत क्या वैसी की वैसी दिखाई देती है? आप जिस मोहल्ले में, आप अपने क्षेत्र में प्रतिदिन जिस मंदिर में जाते हैं, क्या वो परमात्मा भी आपको आंखें बंद करने पर दिखाई देते? और यहां से आंखें बंद करो और अपने बेटे को बेटी को याद करो तो, अपनी बहू को याद करो तो, मम्मी पापा को याद करो तो, उनका पूरा चेहरा बिल्कुल सामने उतर आएगा। अरे अपनों को छोड़ो, दुश्मन को भी याद करोगे वो भी सामने उतर आएगा, लेकिन आंखें बंद करने पर अभी तक परमात्मा की सूरत, परमात्मा की मूरत, परमात्मा का बिंब, परमात्मा के प्रतिबिंब, परमात्मा के गुण, परमात्मा की वितराग दशा, परमात्मा की वितराग मुद्रा, उसकी छवि अभी तक भी नहीं उतरी। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन के ऊपर में छाप संसार की है, हमारे मन के ऊपर में छाप अभी तक धर्म की, परमात्मा की नहीं लगी। जो हमारे मन में बसा होगा वही हमें झलकेगा। अगर मन में परमात्मा होंगे तो आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन हो जाए। होता है ऐसा? आंखें बंद करूं या खोलूं, बंद करूं तो क्या दिखता है, खोलूं तो क्या दिखता है, खुद ही सोच लो। अपने मन को इतना पावन बनाना है, उस मन रूपी पात्र में जो इतना कचरा भरा है, हमको लगता है कि मेरे जैसा पवित्र कौन, मेरा मन कितना स्वच्छ, मैं कितना निर्मल। अरे मेरे मन में तो किसी के लिए दुर्भावना आती ही नहीं है। अरे मैंने तो आज तक कभी किसी की बुराई की ही नहीं। मैंने कहा किसी का बुरा सोचा, मैंने कहा किसी का बुरा चाहा। अपनी निगाहों में हम खुद ही अपने आप को कितना अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन मन के भीतर में, मन की दीवार पर जो कचरा जमा हुआ है, मन रूपी पात्र में
जो कषायों की कालीमा लगी हुई है। जब तक उसको दूर नहीं करेंगे तब तक कितनी साधनाएं, करोड़ों करोड़ों जन्म भी यदि हम समाहित करते रहेंगे, तीर्थ यात्राएं करते रहेंगे, परमात्म दर्शन भी करते रहेंगे, जिन वाणी का श्रवण भी करते रहेंगे, लेकिन अपने मन के भीतर में जमा उस कचरे को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर में परमात्मा की झलक मिलने वाली नहीं है। सबसे पहला कार्य मन की, चित्त की शुद्धि। हमने अपने मन में कितनों के लिए दुर्भावनाएं पाली हैं, आज तक कभी हमने आत्मनिंदा नहीं करी। दूसरों की निंदा करने के लिए हमारे पास में हजार मुंह है, हजार जीवाएं हैं, जो मिला जहां मिला इसकी निंदा उसकी निंदा, कभी नहीं सोचा कि इस निंदा करने से मैं अपनी आत्मा का कितना अहित कर रहा हूं। इन आंखों से दूसरों की बुराई ही बुराई देखी, दूसरों की एक बुराई देखने के लिए हम हजार आंख वाले बन जाते हैं और खुद की एक बुराई भी हमें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हम अंधे हो जाते हैं। दूसरों की बुराई को गाने के लिए हम हजार जीवा वाले हो जाते हैं और अपनी एक बुराई बोलने के लिए हमारे पास एक जीवा भी नहीं बचती। कैसी हमारी वृत्ति। फिर हम धार्मिक, हम चुस्त संयम पालक, हमारी क्रिया बड़ी ऊंची, ये व्यर्थ का अभिमान, ये अभिमान हमें लेकर के डूबेगा, दुर्गति में ले जाएगा, अधोगति में ले जाएगा। व्यर्थ का अभिमान छोड़ो, अपने मन के भीतर झांको तो सही। दूसरों को देखना, दूसरों को देखना, दूसरों को देखना, क्या मिलेगा दूसरों को देख के। दर्पण हम स्वयं को देखने के लिए देखते हैं, मंदिर परमात्मा के पास हम स्वयं के लिए जाते हैं, जिन वाणी का श्रवण हमें स्वयं के लिए करना है, स्वाध्याय स्वयं के लिए करना है, तप स्वयं के लिए करना है, आराधना स्वयं के लिए करनी है, दोष स्वयं के देखने हैं। लेकिन कहां खड़े हैं हम। अरे हमारे पास में तो ऐसी दृष्टि है कि हम तो परमात्मा में से भी कितने दुर्गुण निकाल ले, भगवान ऐसे, गुरु ऐसे, धर्म ऐसा, हम तो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जहां मौका लगा गुरु की भी निंदा, क्या गुरु तत्व को समझा, गुरु को खिलौना समझ लिया, निकाचित से निकाचित कर्मों का बंद करने से भी नहीं डर रहे। उन कर्मों से हमारी दुर्गति कहां होगी, कहां ले जाएगी, कोई लेना देना नहीं है, कोई समर्पण की बात नहीं, कोई भक्ति की बात नहीं, कोई निष्ठा की बात नहीं। जो मन में आया बस वही करना है, मन के मुताबिक चलना है। जब तक स्वच्छंद वृत्ति रहेगी, जब तक जीव स्वच्छंद रहेगा, तब तक अनंत काल तक भी उसका निस्तारा नहीं हो सकता। आज तक हमारी आत्मा के भव भ्रमण का कारण हमारी स्वच्छंद वृत्ति है। करना तो मन से है, किसको पूछना, किसको बताना, किससे आज्ञा लेनी, क्यों लेनी, क्या पड़ा है, हमने अपना काम किया, हम रवाना। स्वच्छंद वृत्ति, और ये जीव की स्वच्छंद वृत्ति के कारण ही हमारी सारी साधनाएं सब निष्फल जा रही हैं। जब तक साधक परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य करके और गुरु के निर्देशन में, गुरु की आज्ञा में नहीं चलेगा, एक काल तो क्या, तीन काल तक उस जीव की मुक्ति नहीं, स्वयं तीर्थंकर भी आ जाए तब भी उस जीव को मुक्त नहीं कर सकते। मन को साधो,
मन को पवित्र करो, मन को जिन चरणों में जोड़ो, स्वच्छंद वृत्ति का त्याग करो, पर निंदा का त्याग करो, दूसरों के अवगुणों को, दोषों को, दुर्गुणों को देखना बंद करो। जब तक जीव छद्मस्त है तब तक उसमें दोष रहेंगे ही। अरे चार ज्ञान के धारक भी क्यों ना हो जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं दोष तो रहेगा ही। कोई भी जीव पूर्ण नहीं, और यदि पूर्ण हो जाए तो फिर पूर्ण तो परमात्मा ही है। हम और आप तो अपूर्ण हैं, दोषों से भरे हुए हैं, दुर्गुणों से भरे हुए। हम कौन सा कोई दूध के नहाए धुले हैं। मुझे मेरे अवगुण देखने हैं, मुझे मेरे दोष देखने हैं, मुझे मेरे भीतर को स्वच्छ करना है, मुझे मुझ पर काम करना है, आपको आप पर काम करना है। आपके ऊपर काम आपकी मेहनत से होगा, मेरे ऊपर काम मेरी मेहनत से होगा। यदि मुझे मेरी आत्मा की चिंता होगी तो मैं जरूर पुरुषार्थ करूंगा, और आपको यदि आपकी आत्मा की चिंता होगी तो आप जरूर पुरुषार्थ करेंगे। यदि आपको आपकी आत्मा की चिंता नहीं है तो फिर मन कहता है भैया ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, कौन देखने वाला, कौन पूछने वाला, तो ठीक है भैया चलाओ गाड़ी ऐसे ही। मन के मुताबिक मत चलो। मन ने बहुत भरमाया है, बहुत नचाया है, बहुत घुमाया है। अब इस मन को नमा दो प्रभु चरणों में। नमन सबसे पहली, अगर कोई अध्यात्म की सीढ़ी है तो नमो। पूज्य श्री चिदानंद सुरजी महाराज साहब कह रहे थे नमो, तो नमो से ही साधना का प्रारंभ होता है। मन को जीतना है तो नमन, जहां पर मन आपका नमित हो जाए, झुक जाए, समर्पित हो जाए, सरेंडर हो जाए, वह नमन है। वास्तविक नमन तक हमें पहुंचना है। जय वीराय जग गुरु ओम ममम त्वप भावो भैव मम निव्यो मग्गानुसार्य इट फल सिद्धि लोक वृद्धाओ गुरुजन पुआ पृथकरणम च सुह गुरुजोगो तब वैन सेवना अभव मखंडा। दिखने में शब्द एक ही होता है पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक ही सब्जी का स्वाद तो एक ही होता है पर शब्द का एक अर्थ नहीं होता। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और किस जगह कौन कौन सा अर्थ प्रयुक्त करना, दोनों बातें। आप एक शब्द का एक अर्थ न समझे, कोई भी हो, शास्त्रों में आगम ग्रंथों में कोई भी शब्द हो उसका एक अर्थ नहीं होता, कई अर्थ होते हैं। और यहाँ भी कई अर्थ हैं और अर्थ के साथ परिणाम भी हमको देखना पड़ता है। जय विराय जग गुरु, जय शब्द का क्या अर्थ और जय शब्द पहले क्यों? वीर राय और जग गुरु के पास जय शब्द क्यों नहीं, जय शब्द पहले क्यों? पहली बात तो संबोधन का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया पर संबोधन का परिणाम क्या है, ये तो अर्थ हुआ है। आप कैसे कहोगे कि मैंने संबोधन कर दिया, मैंने संबोधन किया और जिसको संबोधन किया वो आया, जिसको बुलाया वो आया, जिसको आमंत्रण दिया वो आया। अभी अभी कल्पेश भाई पंडित जी कह रहे थे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये भी एक संबोधन है आगे बुलाने के लिए।
आगे आने का परिणाम किया और आने का परिणाम किया, संबोधन का परिणाम किया, एक ही है। देखो कभी आपने बसों में सफर किया है कि प्लेन में ही करते हो, ट्रेन में ही करते हो, कभी किया है कि नहीं किया? किया है ना। बस में सफर करने का एक परिणाम बता। देखो बस में आप सफर करो और बस की पिछली सीट पर बैठे हो, और जो कोई एक व्यक्ति बस की पिछली सीट पर बैठा है और एक व्यक्ति बस की अगली सीट पर बैठा हुआ है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति बस की पिछली सीट पर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति बस की अगली सीट पर बैठा हुआ है, और एक समझ लो बीच में बैठा हुआ है। बस अपनी गति से चल रही है, बस की गति से समान है, चाहे वो पीछे बैठा है, चाहे मध्य में बैठा है, चाहे आगे बैठा हुआ है, बस की गति तो क्या अलग अलग है क्या तीनों के लिए के बराबर है? और तीनों का जो बस को चलाने वाला, जिनको जो चालक कहते हो, ड्राइवर कहते हो, वो तीनों के लिए अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं ना। मैं आपसे पूछूं, आप पीछे बैठना पसंद करोगे कि आगे बैठना पसंद करोगे? क्यों, कारण क्या है? कारण क्या, आगे बैठना पसंद करोगे, कारण क्या, पीछे क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्यों नहीं बैठना चाहते? आगे बैठने का मतलब क्या और पीछे बैठने का कारण क्या? पीछे बैठना नहीं चाहते क्योंकि उसमें धक्के झटके ज्यादा लगते हैं, यही कारण है ना। और आगे बैठने पर धक्के झटके कम लगते हैं ना। देखो आगे बैठने का मतलब क्या और पीछे बैठने का मतलब क्या, एक बात समझो के चलो। आगे बैठना यानी ड्राइवर चालक के पास बैठना, पीछे बैठना यानी ड्राइवर से दूर बैठना। आगा बैठने का मतलब क्या, ड्राइवर के पास बैठना, ड्राइवर के नजदीक बैठना, तो धक्के क्या होते हैं? और जितनी ड्राइवर से दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, धक्के उतने। बस यही बात है, संबोधन में यही है, कोई दूसरा नहीं है। हमारी ड्राइवर एक, स्पीड एक, फिर भी धक्कों में अंतर। क्यों? ड्राइवर से दूरी के कारण, और ड्राइवर की जितनी नजदीकता रहती है, निकटता रहती है, धक्के उतने कम रहते हैं। बस जीवन, ये जय विराय जग गुरु, ये हमसे जीवन से कितना दूर होगा उतने धक्के ज्यादा लगेंगे, और संबोधन करके हम पास में बुला लेंगे तो जीवन में धक्के कम लगेंगे। संबोधन का फल समझो, ये फल किया और धक्के लग रहे हैं तो समझो संबोधन नहीं हुआ, बुलाया नहीं है, ड्राइवर बहुत दूर है, दूर है, दूर है। संबोधन क्यों रखा उन्होंने, क्या कारण है भाई? हमारी जीवन की गाड़ी का हमारा ड्राइवर परम पिता परमात्मा जय विराय में जय वीतराग और जगत गुरु, हमारी गाड़ी का ड्राइवर, जिस गाड़ी में हम जिंदगी की जिसमें सफर कर रहे हैं, उसका ड्राइवर हमारा वीतराग, इस सूत्र के परिधान सूत्र के हिसाब से। क्योंकि हो सकते हैं आपने वीतराग और जगत को ड्राइवर न बना, किसी दूसरी गाड़ी में बैठो तो बात अलग है। मैं परिधान सूत्र बैठा, इसका ड्राइवर कौन? हमारी जीवन की गाड़ी का ड्राइवर कौन? वीतराग और जगत गुरु। अब इस जगत गुरु जीवन की गाड़ी से जितने मजदूर होंगे उतना क्या होगा, धक्के ज्यादा लगेंगे ना, और जितने नजदीक जाएंगे धक्के उतने कम हो जाएंगे। देखो हमको जीवन में धक्के कितने कम लग रहे हैं कि ज्यादा लग रहे हैं, देख लो, जितने उसे दूर था उतने धक्के ज्यादा, और जितने निकट था, समीप था, एक था, धक्के उतने कम। ये क्या मतलब है? संबोधन का रहस्य है।
सामान्य चीज नहीं, संबोधन बुलाओ नजदीक में भाव सन्निधानम आमंत्रण है बुलाने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं आज अर्थ। मैंने कहा ना एक शब्द के कई अर्थ हैं, एक चाहे वो जय हो चाहे वीर राय हो चाहे जगत गुरु हो, अर्थ बहुत हैं। एक ही अर्थ मत समझना और जितना मैं कह रहा हूं उतना ही समझना। जय शब्द का क्या मतलब है? जय शब्द के बहुत 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 मतलब है। संबोधन के हिसाब से जय शब्द का क्या मतलब है? और भी अर्थ हैं, बहुत अर्थ हैं। मैं मात्र पूछना चाहता हूं संबोधन के हिसाब से जय शब्द का अर्थ क्या है? संबोधन का मतलब है बुलाना, आमंत्रण देना। और जय शब्द का मतलब यहां पर यह घटित किया ग्रंथकारों ने, आकर वो चला ना जाए। बुलाया, आमंत्रण दिया, तुमने बुलाया आया और चला गया, नहीं 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 तू यहां विराजमान हो। जय इस अर्थ में भी है, तू जाए नहीं, विराजमान हो, मेरे हृदय में विराजमान है, आए और चले गए, ये नहीं होना चाहिए। संबोधन बुलाने के लिए है। और यहां इस संदर्भ में जय का अर्थ क्या हुआ? बिठाने के लिए, विराजमान करने के लिए, तू विराजमान रहे, आके चला ना जाए। बहुत बार होता है परमात्मा के चला जाता है, तो जय शब्द का अर्थ यह इन्होंने किया। संबोधन के साथ इन्होंने जय शब्द को जोड़ा है, बहुत अच्छा अर्थ किया है। विराज बुलाना और विराजमान में अंतर क्या है, फर्क क्या है? और जब विराजमान हो जाता है तब होता क्या, तब क्या होता है? जय शब्द का दूसरा अर्थ भी बताता मैं तुमको भी। पहले एक विराजमान बहुत ऊंची चीज है, ऊंची चीज ने बहुत ऊंची चीज है। बुलाने का फल तो है पर विराजमान होने का फल अनंत गुना है। और यदि विराजमान हो जाएगा, हमने बुला लिया विराजमान हो गया, उसका फल क्या मिलेगा? देखो दो चीजें हैं, एक पुण्य है और एक धर्म है। हम पुण्य को धर्म का फल कहते हैं, ये बड़ी भ्रांति है हमारी। पुण्य का फल अलग है, धर्म का फल अलग है। पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। पुण्य का फल पौद्गलिक संबंधों से है, पौद्गलिक पदार्थों से, धर्म का ना संबंध किसी भी पौद्गलिक वस्तु से नहीं है, समझना। कोई हमने इच्छा की परमात्मा की पूजा भक्ति करते करते तो हम कहते हमें धर्म का फल मिल गया, नहीं नहीं नहीं, ये धर्म का फल नहीं है। धर्म इस यदि बुलाने का और वीतराग को बुलाने का, समझना, और जगत गुरु को बुलाने का और जय विराजमान करने का फल बहुत ऊंचा है। ऐसे फल की तुम दुनिया के किसी भी पदार्थ से तुलना नहीं कर सकते। इसकी तुलना न देवलोक की रिद्धि से होती है, न चक्रवर्ती की रिद्धि से हो सकती है। हम धर्म का फल कहते हैं। सुब्रत सेठ बैठा हुआ है, पोषण कर रहा है, मन पूर्वक है, उपवास है, पूरा परिवार बैठा है, अचानक नगर में आग लग गई, पूरा नगर जलने लगा घूघू करके। सुब्रत सेठ भी बैठा हुआ है, कौशिक भी है, देख रहा है कि नगर जल रहा है, लोग घर से बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और आग मेरे घर पे भी आ जाएगी। उस आग ने सुब्रत सेठ का घर जलाया। इसको हम क्या कहते हैं? धर्म का फल। क्या कहते हैं? ये हमारी बड़ी भ्रांति है, इस बात को धर्म का फल कहना गलत।
यह धर्म का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है। यदि इसको हम धर्म का फल कहें कि सुब्रत सेठ बैठा है, नगर जल रहा है, वो सामयिक में है, पोषद में है, और उसके कारण उसका घर नहीं जला, पूरा जगत का पूरा आकर नगर पूरा नगर जल गया, यदि इसको कहेंगे खंडक ऋषि के स्कंदकाचार्य के 500 शिष्यों को घानी में पेला गया और एक भी देवता हाजिर नहीं हुआ बचाने के लिए, तो इसको क्या कहोगे तुम लोग? वहां देवता ने घर बचा दिया और एक भी देवता हाजिर नहीं हुआ, क्या कहोगे? देखो ये सूत्र हमारी भ्रांतियों को तोड़ने वाला है, अनादिकालीन भ्रांतियां हैं। देवता आ गया, घर बच गया, धर्म का फल, और यहाँ कोई देवता आया नहीं, एक नहीं 500 साधु हैं, 2-5 नहीं है, स्कंदाचार्य भी है, एक भी देवता उनकी रक्षा करने आया, तो क्या धर्म का फल नहीं कि आप जाते हैं? ये अनादिकालीन ये ग्रंथियां भ्रांतियां हमारे दिमाग में घर सुनाई, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की साहिबी सुख साहिबी की प्राप्त होना, सुख साहिबी अनुकूलता प्राप्त होना, ये धर्म का फल नहीं पुण्य का फल है, समझो। तो धर्म का फल क्या है? धर्म का फल क्या है? ज्ञानियों ने, परमात्मा महावीर ने, वीतरागियों ने, तीर्थंकरों ने धर्म का फल क्या बताया है? चित्त की समाधि, समता भाव, आत्मा आत्म भाव में रहे, आत्मा आत्म भाव से पर भाव में न जाए, यह धर्म का फल। इसको कहानी को एक और उदाहरण से स्पष्ट करता हूं मैं आपको। मन में विकार पैदा ना हो, चित्त डामाडोल ना हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, बाहर कैसी भी स्थिति या परिस्थितियां हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, प्रशंसा धर्म का फल, निंदा पाप का फल, और समाधि धर्म का फल, समझो। हम प्रशंसा को धर्म का फल कह रहे हैं, अनुकूलता को धर्म का फल कह रहे हैं, प्रतिकूलता को पाप का फल कह रहे हैं, नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता में जो सम स्थिति है चित्त की, आत्म की, आत्मभाव की, समाधि की, निर्विरा की, वो धर्म का फल है। वो इनको बुलाना, आमंत्रण और बिठाने का फल क्या? हम किस भ्रांतियों में जी रहे हैं? ये दुनिवी साबी पर ये वस्तु का प्राप्त होना हम धर्म का फल कह रहे हैं? नहीं। श्रेणी का जीवन उठा के देखो, अंत समय की स्थिति उसकी कैसी है? और यदि ये आ जाता है, हम परमात्मा वीतराग को, हरिहंत को आमंत्रण देते हैं और बुला लेते हैं, तो क्या मिलता है? मिलता क्या है? सबसे पहली मिलना तो बाद की दूर, पहले चला जाता है, जो मिला हुआ चला जाता है, जानते हो क्या चला जाता है? विभाव दशा चली जाती है। जगत का सत्य स्वरूप समझ में आता है, दिखता है। जगत का सत्य स्वरूप क्या है? आत्म का स्वरूप क्या है? क्या है क्या नहीं, पूरे के पूरे जगत का स्वरूप दिखता है भाई। सब पद आसक्तियां भ्रांतियां टूट जाती है, मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, बहुत सी चीजें घटित होती हैं। बिठा आमंत्रण देना और बुलाना बिठाना, हम तो इन चीजों से दौड़ते रहते हैं। मैंने भी कहा ना, चक्रवर्ती की रिद्धि पैदा मिलना भी
धर्म का कारण नहीं है, और धर्म का कारण होता तो चक्रवर्ती भी उस रिद्धि को कभी छोड़ता नहीं। धर्म का कारण होता तो चक्रवर्ती कभी नरक में नहीं जाता उस रिद्धि के कारण, समझना। चक्रवर्ती भी उस रिद्धि के कारण नरक में जा रहा तो धर्म का फल कैसे हुआ बोलो, और चक्रवर्ती भी उसको छोड़ देता है तो फिर धर्म के फल को उसे छोड़ दिया, क्या बात है। Together as one, killer, this is us.